जहां एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की बातें करती नजर आती हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबे में बिजली विभाग के अधिकारी जनता का खून चूसने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। बताते चले कि 2 माह पूर्व निगोहा गांव में मदन द्विवेदी के घर पर एक फर्जी छापेमारी की गई, जिसमें जेई आर्यन वर्मा ने अपनी टीम के साथ वहां पहुंच करके तार कटे होने का हवाला दे करके उन लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। बताते चलें कि पीड़िता केवल पत्नी और अपने एक बच्चे के साथ घर में रहती है, उसके पति बाहर नौकरी करते हैं। उनको जेल भेजने का हवाला दे दिया और बोला कि अगर 1 लाख रुपए की रकम नहीं जमा की तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। पीड़ित परिवार घबराते हुए कहीं न कहीं से इधर उधर से व्यवस्था करके 1 लाख रुपए की रकम जेई साहब को दे दी, लेकिन जेई साहब ने ना ही कोई पर्ची दी ना ही रसीद। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जेई साहब 2-2 हजार रुपए के 50 हजार रुपए और 500 और 200 रुपए की गड्डियां कैसे गिन रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेई साहब ने खुद इस बात को कहा कि वो अपने काउंटर पर किसी भी तरह का नगद पैसा नहीं लेते हैं, जो भी जुर्माने की रकम होती है वो काउंटर पर जमा होती है। ऐसे में ये सवालिया निशान उठता है कि क्या ऐसे ही भ्रष्टाचार चलता रहेगा, मीटर बदला जाएगा। और क्या नाम, मुझसे कहा कि आप, किसने कहा? वो जे आए थे उनके साथ, जे टीम लेकर आए थे। हाँ। क्या हुआ? उन्होंने मेरी लाइट काट दी और अपने ऑफिस में बुलाया। क्या कहा? उन्होंने कहा अगर आप इसका रिश्वत नहीं देंगे तो आपकी जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी लग सकता है। तो पैसे लेकर आप क्या कहाँ गए? हम पैसे लेकर वहाँ पे क्या नाम फुलवरिया गए। कितना पैसा लेकर गए? 1 लाख रुपए। फुलवरिया गए थे? हाँ। कहाँ पे गए थे? उनके ऑफिस। हाँ, ऑफिस। क्या हुआ फिर वहाँ? ऑफिस में गए तो जे ने दरवाजा बंद करने को कहा, सिर्फ 3 लोग थे, जे और मैं तो उन्होंने और मेरा भाई, तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए दे दिए मैंने, और उन्होंने कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं, सिर्फ 3 लोगों के बीच में रहनी चाहिए। उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं? हाँ। कि पैसे लिए हैं? हाँ। उन्होंने अपने ऑफिस में पैसे लिए थे या कहीं जमा करवाए थे? ऑफिस में। ऑफिस में लिए थे? हाँ। जमा नहीं करवाया कहीं? जमा नहीं करवाया। और कोई पर्ची वर्ची भी नहीं दी? पर्ची भी नहीं दिया। हाँ।